हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव। आज के टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हम लोग OSPF कॉन्फ़िगर करते हैं उसके अंदर DR एंड BDR का कनेक्शन कैसे होता है। DR यहाँ पे आज का टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। DR इज़ अ डेसिग्नेटेड राउटर एंड बैकअप इज अ BDR इज़ अ बैकअप डेसिग्नेटेड राउटर। अभी क्या करने वाला हूँ मैं आज की सिचुएशन में, मैं आपको बताऊँगा कि ऑटोमेटिकली DR एंड BDR का इलेक्शन किस तरीके से होता है, और मैन्युअली अगर मैं करता हूँ तो मुझे किस तरीके का DR और BDR का इलेक्शन करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बेसिक टोपोलॉजी लिया है। मैंने इसके पहले GNS में कभी भी स्विच्ड का यूज़ नहीं किया, अगर मेरे प्रीवियस वाले प्रैक्टिकल्स देख सकते हो तो। ठीक है, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। आप लेफ्ट साइड में जाओ, लेफ्ट साइड में इस आइकॉन के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इथरनेट स्विच, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है, वही किया मैंने यहाँ पे। आप यहाँ पे आईपी एड्रेस भी देख सकते हो, मैंने एक सिंपल सा नेटवर्क यूज़ किया है 10.1.1.1, ये आईपी एड्रेस यूज़ किया है। इस राउटर के F0/0 के लिए 10.1.1.2, ये आईपी एड्रेस यूज़ किया है। इस राउटर के F0/0 के लिए 10.1.1.3 और इसका 1.4 आईपी एड्रेस यूज़ किया है। ठीक है, बेसिक आईपी एड्रेसिंग है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, खाली आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले DR एंड BDR इलेक्शन हमेशा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्विच डिवाइस यूज़ किया है। स्विच डिवाइस क्या करता है एक्जैक्टली? स्विच डिवाइस हमेशा ब्रॉडकास्ट करने का काम करता है, करेक्ट? तो ये जितने भी राउटर्स हैं एक दूसरे के साथ अपने पैकेज ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, करेक्ट? तो इस सिचुएशन में DR और BDR इलेक्शन होने वाला है। तो सबसे पहले मैं राउटर वन के ऊपर जा रहा हूँ, आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन। शो आई पी इंटरफेस दिस, जो आई पी इंटरफेस ब्रीफ, मैंने आई पी एड्रेस दे दिया है और मैंने /8 वाला मास्क यूज़ किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, करेक्ट? सेम एज मैंने राउटर टू के ऊपर भी किया है, देख सकते हैं, ओके? सेम एज 3N राउटर 4 के ऊपर किया है, लेकिन अभी भी अभी तक मैंने कोई भी OSPF का कॉन्फ़िगरेशन नहीं रन किया है। तो इसके लिए कमांड है शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइप सेक्शन OSPF। जैसे आप ये कमांड डालोगे आपको OSPF का कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा। अभी मेरे पास कोई और OSPF का कॉन्फ़िगरेशन नहीं, जिसकी वजह से मैं कबट देख नहीं पा रहा हूँ। तो अभी मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ OSPF राउटर OSPF 100। राउटर आईडी देने की ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी सिंगल ही इंटरफेस यूज़ किया है मैंने। नेटवर्क, जो मैंने नेटवर्क यूज़ किया मुझे एडवर्टाइज़ करना है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ मैं 10 का नेटवर्क यूज़ किया है, तो मैं 10 का नेटवर्क लूँगा। उसके बाद वाइल्ड कार्ड मास्क, और मैं सबको area 0 में ही कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं मेरा R2 के ऊपर भी 10 का नेटवर्क है, R3 के ऊपर भी 10 का नेटवर्क है, और R4 के ऊपर भी 10 का नेटवर्क है। तो मतलब क्या होने वाला है, मेरा सभी जगह सेम ही कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है, करेक्ट? तो उससे बस मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, लाइक मेरा टाइम बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने सिंपल कॉपी पेस्ट किया। नेबरशिप फाइंड होना चाहिए, अगर नेबरशिप नहीं होते तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने कुछ मिस्टेक किया जिसकी वजह से OSPF की नेबरशिप नहीं हो रही है। ठीक है, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन मुझे R3 पे करना है, यहाँ पे भी मैंने सेम कॉन्फ़िगरेशन रन किया। उसके बाद R4 के ऊपर भी मुझे सेम कॉन्फ़िगरेशन रन करना है। राइट क्लिक कर रहा हूँ तो पेस्ट हो रहा है। ठीक है, फिर से R1 के ऊपर जाके मैं चेक करता हूँ कि मुझे यहाँ पे OSPF के नेबर मिलते हैं कि नहीं। शो IP OSPF नेबर, ठीक है, देखो यहाँ पे मुझे नेबर्स मिल रहे हैं, करेक्ट? यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया कि मैंने OSPF का नेबरशिप कर लिया। ठीक है, इनके बीच में DR-BDR इलेक्शन भी हो गया। ठीक है, तो अभी मुझे चेक करना है कि वो कॉन्फ़िगरेशन, वो DR-BDR इलेक्शन किस तरीके से हुआ है, और इन चारों राउटर में से कौन सा वाला राउटर DR बना है और कौन सा वाला राउटर BDR बना है। जब भी हम लोग DR-BDR इलेक्शन करते हैं तो ऑटोमेटिकली जिस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में जिस राउटर का IP एड्रेस सबसे हाईएस्ट रहता है वो राउटर बन जाता है DR राउटर, डेसिग्नेटेड राउटर। मतलब जितना भी ट्रैफिक पास होगा वो DR राउटर के थ्रू होगा। अगर DR राउटर फेल होता है तो हमारे पास एक बैकअप में राउटर होना चाहिए जो कि होगा सेकेंडरी हाईएस्ट IP एड्रेस। तो ये मेरा राउटर बनेगा बैकअप डेसिग्नेटेड राउटर।
बीडीआर राउटर करेक्ट, ये तो हो गया ऑटोमेटिकली प्रोसीजर करेक्ट। तो अभी हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं कि हमारा डीआर कौन बनाए और बीडीआर कौन बनाए। तो सबसे पहले मैं R1 के ऊपर जाके चेक करता हूँ। यहाँ पे देखो थोड़ा लेट आता है मैसेज, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने जो नेबरशिप किया उसके लिए एक लॉक्स जनरेट हुआ है। आपको ये अभी लॉक्स पढ़ना आना चाहिए। मैं अभी इस बार बता देता हूँ आपको। इन्होंने बोला है कि अपने प्रोसेस आईडी 100 यूज़ किया है, नेबरशिप वो 10.1.1.4 के साथ हुआ है, 10.1.1.3 के साथ हुआ है, ठीक है। इंटरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, और जो हम लोगों ने 7 स्टेजेस सीखे थे उसके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। सेम एज शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, जैसे मैं करता हूँ तब यहाँ पे आपको पता चलेगा। यहाँ पे आपको चेक करना है ये वाला, जो हमारे पास 4 राउटर है उसमें का सबसे हाईएस्ट वाला आईपी एड्रेस ये है, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली इस राउटर को उसने डीआर कंसीडर कर लिया, डेजिग्नेटेड राउटर, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है। और इसके बाद में सेकेंडरी हाईएस्ट आईपी 10.1.1.3 है, जो कि ऑटोमेटिकली बीडीआर बन गया, और बाकी दोनों के दोनों मतलब 10.1.1.1 और 1.2 टू वे ऑब्लिक डीआर अदर्स में चले गए, ठीक है। मतलब ये कोई भी इलेक्शन का हिस्सा नहीं है, ओके। यहाँ तक तो हमें समझ में आएगा कि मैन्यू ऑटोमेटिकली किस तरीके से होता है डीआर और बीडीआर का इलेक्शन। अभी कोई मुझे बोलता है कि मुझे और एक यहाँ पे राउटर ऐड करना है, और उस राउटर के ऊपर मुझे एक आईपी एड्रेस असाइन करना है। जस्ट कंसिडर करते कि मैंने यहाँ पे एक नया वाला राउटर ऐड किया और इसके ऊपर आईपी एड्रेस दे दिया 10.1.1.5। तो क्या होगा इस सिचुएशन में? अगर मेरा ओएसपीएफ का टोपोलॉजी रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो न्यू राउटर कनेक्ट हो गया है उसको वो बन जाएगा डीआर, डेजिग्नेटेड राउटर। तो पूरा का पूरा ट्रैफिक इस राउटर के थ्रू पास होगा करेक्ट, और जो सेकेंडरी हाईएस्ट रहेगा ये मेरा बन जाएगा बीडीआर। मतलब क्या होगा, पूरे के पूरे नेटवर्क में चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। सो ये एक स्केलेबल सॉल्यूशन नहीं था, तो उन्होंने डिसाइड किया हमें इस तरीके का सॉल्यूशन दे चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मुझे जो R1 मेरा ये डिवाइस है ये हमेशा मेरा DR ही बना रहना चाहिए, और R2 ये डिवाइस है जो हमेशा मेरा BDR बन के रहना चाहिए, ठीक है। तो जब हम लोग इसका कॉन्फिगरेशन करते थे तो हमें स्टार्टिंग में पता नहीं था कि किस तरीके से DR बनाना है, किस तरीके से BDR बनाना है। तो DR और BDR बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है, हम लोगों को इसके प्रायोरिटी के साथ प्ले करना पड़ता है, प्रायोरिटी, ठीक है। अभी प्रायोरिटी क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो आईपी ओएसपीएफ नेबर रन किया था, आपने शायद नोटिस किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। ये जो PRI लिखा है ये प्रायोरिटी होता है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा 1 होता है, ठीक है। जब भी सबका प्रायोरिटी 1 रहेगा तो उस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली DR और BDR का इलेक्शन होगा करेक्ट। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, मैन्युअली Router 1 को बनाना है DR और Router 2 को बनाना है BDR। तो इस सिचुएशन में मैं किस तरीके से टैकल करता हूँ, सबसे पहले मैं जाता हूँ R1 जिसको मुझे DR बनाना है। तो सिंपल सा कमांड है, मैं इसके इंटरफेस पे जाऊँगा जो कि F0/0 इंटरफेस है, फास्ट इंटरनेट 0/0, ओके। IP OSPF प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 1 प्रायोरिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये कंसेप्ट समझना है, अगर मैं इस राउटर का प्रायोरिटी 255 करता हूँ, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी करता हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा DR। और अगर मैं इसके नीचे मतलब लाइक अगर मैं कर देता हूँ 1, ठीक है, तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है तो मुझे उसको तो लेना ही नहीं पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको दे देता 255, और इसके नीचे वाला राउटर मतलब जिसको मुझे BDR बनाना है उसको 250 254 कोई भी दे सकता हूँ, बाकी रिमेनिंग तो 1 ही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं R2 के ऊपर जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे भी सेम कॉन्फिगरेशन, इंटरफेस F0/0, IP OSPF प्रायोरिटी 254 कर देता हूँ, मतलब सेकेंडरी हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अभी क्या होता है, जब भी मैं R1 के ऊपर चेक कर रहा हूँ अभी मेरा OSPF का प्रोसेस क्लियर नहीं हुआ है, तो अभी भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये सब चेंजेस देखने के लिए मुझे क्लियर IP OSPF प्रोसेस करना पड़ेगा, क्लियर IP OSPF प्रोसेस, यस। सेम कमांड मुझे चलाना है R2 के ऊपर, यस। सेम मैस चलाना है मुझे R3 के ऊपर,
एंड सेम चलाना है मुझे आर फोर के ऊपर। ऑलराइट, तो यहाँ तक तो हो गया, मैं आर फोर के ऊपर ही अभी चेक कर लेता हूँ, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। ठीक है, देखते हैं अभी क्या चेंजेस आते हैं हमारे टेबल में। देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस आ गए। अगर मैं चेंजेस देखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पे जो प्रायोरिटी है उसके अंदर कुछ चेंजेस आए। चेंजेस कुछ इस तरीके के हैं, जो मेरा R1 था मुझे उसको DR बनाना था मैन्युअली, तो मैंने क्या किया उसके पर्टिकुलर इंटरफेस के ऊपर प्रायोरिटी बढ़ा दिया, 255 कर दिया। ठीक है, और R2 के ऊपर सेकेंडरी हाईएस्ट प्रायोरिटी कर दिया 254, जिसकी वजह से मेरा R1 बन गया DR राउटर और R2 बन गया मेरा BDR राउटर। अभी कोई भी राउटर कनेक्ट हो जाए, नेटवर्क में कोई भी नया राउटर कनेक्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जो कॉन्फ़िगरेशन किया है वो मैन्युअली किया है, तो इसका मतलब हमारा DR और BDR अभी इलेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग DR और BDR का मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फट से सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।